व्हाट्स अप गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ही एक माइनक्राफ्ट की सीरीज जो कि काफी ज्यादा एपिक होने वाली है। और इस सीरीज में हम लोग भी साथ में खेल सकते हैं। बस तुम्हें मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है और साथ साथ मुझे डीएम करना है और फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। और इस वाली सीरीज में आगे चलकर काफी ज्यादा कमाल कमाल की चीजें होने वाली है। और अगर अभी तक यार तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और लाइक है मैं 5 की प्लीज यार कंप्लीट करवा देना। तो चलो लेट्स बिगिन। ओके तो गाइस फाइनली माइनक्राफ्ट वालों ने हमें स्पॉन कर दिया है एक घटिया सी जगह पर। और जहां तक मुझे लगता है कि गाइस यार मैं ना एक केव में फंस चुका हूं। और यार मैं इस वाली सीरीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि यार ये पहली सीरीज होने वाली है जिसमें कि मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूं। ओके तो देखो यार मेरी इन्वेंटरी में क्या है, कुछ ज्यादा ही बुक्स है, चलो इनको फेंक कराते हैं। हां वैसे मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही करता हूं। ओके यार फर्स्ट हमें फाइंड करनी होगी वुड्स। ओके यार मेरी लक काफी ओपी है, देखो मुझे केव में मिल चुका है एक पेड़, तो चलो जल्दी से मैं इसे काटता हूं। और फिर हमें क्राफ्टिंग टेबल बनाना है और उसके बाद कुछ टूल्स वगैरह भी। और उसके बाद पहले तो मैंने उस पेड़ को काटा और कुछ टूल्स बनाए और उसके बाद मैंने कुछ स्टोन्स को भी माइन किया। और उस केव में कुछ ज्यादा ही आयरन थे और गोल्ड्स भी, पर सबसे पहले तो मैंने कोल को कलेक्ट किया क्योंकि देखो मुझे बहुत सारी मोमबत्तियां बनानी थी। ओके तो देखो यार इस केव में ना लिटरली काफी अजीब अजीब प्रकार की कोर्स है जो कि मैंने आज तक तो यार माइनक्राफ्ट में देखे नहीं है। पर देखो फिलहाल तो मैं कोल माइन कर रहा हूँ क्योंकि देखो यार रोशनी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद मुझे उस केव में मिल चुके थे बहुत सारे आयरन, तो यार पहले तो मैंने बहुत से आयरन को माइन किया और मैंने एक आयरन की पिकेक्स बनाई। और जैसी मैंने थोड़े साइड में देखा मैं थोड़ा शॉक हो चुका था क्योंकि मुझे मिल चुकी थी उस केव में लैपिस लजूली। और उसके बाद मैंने बहुत से अलग अलग कोर्स को भी माइन किया पर वो उतने काम के नहीं थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो सभी के सभी ओर्स किस काम आते हैं। ओके भाई देखो यहाँ पर क्रीपर भी मिल चुका है, अरे चलो इसका फायदा उठाते हैं। लोल इसने मेरे लिए होल कर दिया। ओके तो गाइस इस केव में ना मुझे काफी ओपी ओपी चीजें मिल चुकी है, पर देखो यार मुझे ना माइन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पसंद है नए नए स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करना। तो चलो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं कुछ देर और माइन कर लूंगा और उसके बाद मैं बाहर चलूंगा और फिर से मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाऊंगा ताकि मैं आगे का काम और कंप्लीट कर सकूं। पर गाइस जैसे ही टाइम बीता गया तब मुझे पता चला कि जो वो ब्लू चीज में माइन करा था वो लैपिस लजूली नहीं बल्कि कुछ और ही था। ओ गाइस अभी ना लिटरली हमारे साथ काफी ओपी वाला स्कैम हो चुका है क्योंकि देखो यार जो ना ये ब्लू चीज में माइन कर रहा हूं ये लैपिस लजूली है ही नहीं, ये कुछ और ही चीज है। अरे यार खैर छोड़ो, एक काम करता हूँ, देखो मेरे पास ना कुछ गोल्ड्स कलेक्ट हो चुके हैं तो चलो इसकी एक चेस्ट प्लेट बनाते हैं। ओके तो मैंने एक चेस्ट प्लेट बना दिया है और अब टाइम है एक स्वॉर्ड बनाने का गोल्ड की। अब ना हम इस केव से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद मैं निकल चुका था इस केव के बाहर, पर जैसे ही मैंने बाहर देखा तो सबसे पहले मुझे मिला एक ज़ॉम्बी और बाहर रात हो रही थी। और साथ ही साथ जैसे ही मैंने अपने लेफ्ट में देखा गाइस मुझे मिल चुका था एक अजीब सा प्लेयर या फिर मॉब, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ आना था कि क्या वो एक प्लेयर है या फिर मॉब। पर जैसे ही उसने मुझे अपना एरो मारा गाइस मेरे ऊपर लग चुका था स्लोनेस का पोशन। भाई बड़ा कमाल का आदमी है, जैसे ही उस पीछे वाले बंदे ने मेरे ऊपर एरो मारा मुझ पर स्लोनेस का पोशन लग गया। और यार ज़ॉम्बी के बच्चे इधर आ जा तू पहले। अरे यार शिट, आई थिंक गाइस हमने ना बहुत ही गलत टाइम चूज किया है उस केव से बाहर निकलने का, क्योंकि देखो अभी ना तो मुझे कोई जानवर बाहर दिख रहा है और ना ही तो कोई चीज, और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अरे यार मैं सोच रहा हूँ अब मैं क्या ही करूँगा। वेट सामने देखो, सामने मुझे एक शीप मिली है, इसे मारता हूँ। ओके तो मैंने पहले शीप को तो मार दिया, वेट दूसरी भी है, अरे कहाँ बच के जाएगी। अब ना मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही शीप चाहिए। ये सामने कौन है, ये तो गाइस मुझे वुल्फ जैसे लग रहे यार। और कैसे उसी रात मुझे उस वर्ल्ड में मिल चुके थे बहुत ही अजीब अजीब मॉब्स। पर जैसे मैं थोड़े और आगे बढ़ा मुझे मिल चुकी थी एक अजीब सी चीज। तो गाइस क्या तुम सामने देख रहे हो, देखो सामने ना मुझे एक फायर जैसी दिख रही है। एक काम करता हूँ मैं ना वहां पर जाता हूँ और क्या पता मुझे कोई मिल जाए। ओके वैसे यहाँ पर तो है नहीं कोई, ओ वेट गोस्ट है गोस्ट। अरे यार भाई ये कौन है, लिटरली इसने मेरी हर्ट को फ्रीज कर दिया है। और वेट मैंने इसे मार तो दिया है पर शिट देखो जरा इसने ना मेरा सभी का सभी एक्सपी ले लिया है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं उस फायर के पास तो पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर मुझे एक टेंट दिख रहा है, क्राफ्टिंग टेबल। और वेट
देखो गाइस, मेरे पीछे से कोई तो आ रहा है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं ना इसे बातें करता हूँ। हेलो भाई, तुम हो कौन? हेलो, मेरा नाम है बिली द हंटर और मैं वैम्पायर्स को मारता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं विज हूँ। अच्छा, तो विज इस जगह संभल के रहना, क्योंकि जैसे ही रात होगी ना, यहाँ पे वैम्पायर्स आ जाएंगे और वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ओके, तो मतलब कि इस वर्ड में वैम्पायर्स भी है। तो गाइस, हमें ना बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। तो चलो मैं तुमसे बाद मिलता हूँ। तो गाइस देखो, अभी ना सुबह भी होने वाली है, पर मुझे फाइंड करना है एक विलेज या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर कि मैं रह सकता हूँ। पर कुछ भी बोलो, उस बिली द हंटर ने मुझे काफी ज्यादा डरा लिया है, क्योंकि यार तुम्हें नहीं पता वैम्पायर कितने खतरनाक होते हैं, और क्या पता आगे चलकर मेरी उनसे लड़ाई भी हो जाए। अरे शिट यार, मुझे आसपास तो कोई भी स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, और ना ही तो यहाँ पर कोई विलेज है। और उसके कुछ टाइम बाद ही सुबह भी हो चुकी थी, और जैसी मैं थोड़े और आगे आगे बढ़ता गया, गाइस मुझे मिल चुका था एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रैगन का स्केलेटन। और जहां तक मुझे लगता है कि इस ड्रैगन को उन्हीं वैम्पायर्स ने मारा होगा। और उसके बाद मैं थोड़ा और आगे आगे बढ़ता गया, और मैं पहुंच चुका था एक अलग ही बायोम में, जहां पर कि काफी ज्यादा फूल पौधे लगे हुए थे। ओके, तो गाइस अभी ना मैं काफी ऊपरी जगह आ चुका हूँ, क्योंकि देखो लिटरली ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि देखो यार इसके आसपास काफी ओपी ओपी फूल पत्तियां लगी पड़ी है। और मैंने आज से पहले ऐसी जगह माइनक्राफ्ट में कभी भी नहीं देखी है। और वेट, ये क्या चीज है भाई? अरे घंटी बजने से कोई आ नहीं रहा है। वैसे यहाँ पर विलेजर तो होने चाहिए, पर यहाँ पर विलेजर्स तो है नहीं। अरे यार अब क्या करूँ। ओके तो वेट, तो सामने देखो, सामने मुझे गाइस मिल चुकी है। चलो इनको मारता हूँ, क्योंकि देखो यार मेरे पास ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके सो वेट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे फिर से मिल चुका है एक वैम्पायर हंटर। चलो इसे बातें करते हैं। यहाँ पर संभल कर आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वैम्पायर्स हैं, जो कि तुम्हें एक झटके में ही मार देगी। वैसे मैंने पूछा तो था नहीं, साले तू। पर चलो, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। वेट गाइस, वो सामने क्या है? एक अजीब सी रोशनी है, और जहां तक मुझे लगता है कि वो रोशनी ना गाइस इसके ऊपर से आ रही है। क्या पता वहां पर बीकन हो। चलो एक काम करता हूँ, मैं ना तो 200 IQ का यूज करता हूँ, और मैं एक एक ब्लॉक तोड़ के ऊपर जाने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने उस टेम्पल के हर एक ब्लॉक को तोड़ा, और आखिरकार मैं ऊपर पहुंच ही गया। ओके तर मैं ऊपर पहुंचने वाला हूँ, और अबे शिट, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लिटरली यहाँ पर एक चीज है जिससे कि रोशनी आ रही है, और ये कोई भी काम की नहीं है। अब क्या ही करे, ये तो फालतू चीज है। पर गाइस अभी ना रात भी होने वाली है, और मुझे सोने या फिर खाने के लिए एक स्ट्रक्चर तो ढूंढना ही होगा, या फिर मुझे बनाना होगा अपना ही एक घर, क्योंकि देखो यार इस वाले वर्ल्ड में काफी अजीबोगरीबो मॉब्स है, जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, और भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस मॉब्स। तो चलो किसी जगह चलते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा और आगे आगे चलता गया, और वहीं पर अचानक से मुझे मिल चुके थे एक वैम्पायर, और मैं वहां से जल्दी से भागा हूं। और जैसी मैंने सामने देखा गाइस, मुझे मिल चुका था एक विज़र्ड का घर। और गाइस जैसी मैं उस घर में गया, ओह तो गाइस बाहर बाहर बचा हूं मैं लिटरली, क्योंकि देखो मुझे अपनी लाइफ का पहला वैम्पायर बाहर ही मिल चुका था। और मैं ना कुछ ज्यादा ही लकी था, क्योंकि उसने मुझे मारा नहीं, और मेरे ऊपर उसने अटैक भी नहीं किया। पर वेट यार, अभी ना मैं एक विज़र्ड के घर आ चुका हूँ, और शेट यार यहाँ पे बुक्स ही बुक्स है, बुक्स पढ़ता कौन है? पर वेट, ये बुक्स काफी कमाल की है, क्योंकि देखो ये मुझे अलग अलग फैक्ट देगी अगर मैं इन्हें यूज करना सीख लेता हूँ। ओके तो गाइस फाइनली हम टॉप फ्लोर पे तो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर काफी अजीब अजीब सी बुक शेल्फ्स है, और एक चेस्ट भी है। तो चलो इसको खोल कर देखता हूँ। वेट, ये क्या हुआ? मैं भी तो ऊपर था, और मैं अब नीचे कैसे आ गया? खैर छोड़ो, मेरे सामने एक चेस्ट है, और चलो मैं इसको खोलता हूँ। वेट गाइस, ये क्या है? इसमें एक झाड़ू है, इसका क्या ही काम होगा? अरे यार इस वाले घर में भी फालतू फालतू सामान ही रखा है। अरे वेट, ओके तो यहाँ पर एक स्वॉर्ड भी है, और साथ साथ कुछ खाने के लिए भी। चलो गाइस, मुझे इस विज़ार्ड के घर से कुछ तो भी चीज मिल चुकी है। और एक काम करता हूँ, देखो मैं ना यहाँ पर तो सो नहीं सकता हूँ, तो जहां तक मुझे लगता है इस झाड़ू में ना कोई कमाल की बात होगी, क्योंकि तुम खुद ही सोचो कि किसी विज़ार्ड का एक झाड़ू से काम ही क्या होगा। चलो यार मैं ना इस घर से बाहर ही निकलता हूँ, ये झाड़ू गिर चुका है, चलो इसको उठा लेता हूँ। वेट, मैं इस झाड़ू पर लिटरली बैठ चुका हूँ।
ओह ये उड़ भी रहा है और ये काफी ज्यादा ओपी लग रहा है यार। अरे भाई ये तो लिटरली एक मैजिकल झाड़ू है। पर वेट, सामने देखो, सामने एक ड्रैगन भी है। गाइस मुझे ना जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वेट, सामने देखो, सामने एक और विजार्ड का घर है। चलो एक काम करता हूँ, मैं ना वहां पर लैंड हो जाता हूँ। ओके तो गाइस फाइनली मैं बाल बाल बचा हूँ। और सामने ये कौन है? हेलो, मेरा नाम है मिनी और मैं ड्वार्फ हूँ। ओ ओ सॉरी मिनी भाई, गलती से हो गया। अरे यार शिट, अरे एक अजीब से मॉब को मार दिया। वैसे वो काफी ज्यादा क्यूट था, पर खैर छोड़ो। अरे वेट यार, मैं ना एक विजार्ड के घर में आ चुका हूँ और बाहर ड्रैगन है। और चलो इस घर के अंदर चलते हैं। वेट ये मेरे लेफ्ट में क्या चीज है? बाथरूम। भाई मैं ना काफी दिनों से एक जगह फंस चुका हूँ, तो चलो थोड़ा हल्का हो लेता हूँ। अरे यार भाई साफ सफाई का ध्यान ही नहीं है। खैर छोड़ो, यहाँ पर तुम कुछ कर नहीं सकते है। यहाँ तो आई थिंक ओके। तो गाइस वेट, यहाँ ना कुछ अजीब सी बुक्स भी रखी है। क्या तुम्हें आवाज आई? गाइस ये ना किसी विच का घर है। ओके तो मेरे साइड में तीन वैम्पायर हंटर है। और चलो एक काम करता हूँ, मैं ना इनसे बातें कर लेता हूँ थोड़े। अरे ये तो बात ही नहीं कर रहे। गाइस वो सामने क्या है? चलो वेट, आई थिंक ये ना किसी ड्रैगन का नेस्ट लग रहा है मुझे। के तो यहाँ तो यार मुझे काफी ओपी पे लूट मिल चुकी है। लिटरली 64। भाई ये 100 गोल्डन इंगट है, ये तो काफी ओपी लैगिंग है। देखो देखो गाइस, इसकी पावर भी काफी खतरनाक है। और क्या तुम्हें पता है कि हम इन चेस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खोल सकते हैं। और अगर गलती से भी हमने इन चेस्ट को दूसरी बार खोला तो ये ब्लास्ट हो जाएगी। और वेट यार गाइस, मुझे ना दो दो लैगिंग मिल चुकी है, तो चलो मैं ना इसको अपने पास रख लेता हूँ। और साथ साथ मुझे मिल चुकी है एक स्वॉर्ड भी। भाई जल्दी से ना मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि क्या पता वो ड्रैगन कभी भी आता ही हो। और उसके बाद मैं थोड़े और आगे बढ़ा और वहां पर मुझे मिला एक ब्लैक विलेजर जो कि मुझे कुछ ट्रेड करा था। पर सबसे पहले मैं गया उसके घर में और वहां पर मुझे मिला कुछ भी नहीं। और जैसी मैं उसके दूसरे वाले घर में गया, गाइस ये क्या सीन है और ये चीज क्या है? ये चीज ना लिटरली मुझे एक पोर्टल जैसी लग रही है। ओके तो जहां तक मुझे लगता है कि जो विलेजर हमें बाहर मिला था वो ना इसकी कुछ चीजों बेच रहा था जिससे कि पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। पर उसके लिए गाइस हमें चाहिए होंगे बहुत सारे एम्ब्रल्स। और वेट, ये अचानक से क्या हो गया वेदर को? थंडरस्टॉर्म्स। अभी तक तो भाई वेदर बिल्कुल क्लियर था, अचानक से क्या हो गया यार बाहर? और वेट, और गाइस देखो क्या तुम सुन रहे हो? ये गाइस थंडरस्टॉर्म के पास कुछ ज्यादा ही आ रही है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं ना थोड़े बाहर चलता हूँ और फिर देखता हूँ भाई ये सीन क्या चल रहा है। ओके वेट, ये फायर चीज क्या है? गाइस ये पहल तो यहाँ पर था नहीं, और अब ये क्या चीज है? वेट, यहाँ पर तो भाई काफी खतरनाक माहौल बन चुका है। और अचानक से कैसे हुआ ये सब? ओके तो यहाँ पर सोल टॉर्चेस भी है। अरे नहीं, ये तो कुछ और ही चीज है। और वेट, यहाँ पर सोल सैंड भी है, ये चीज क्या है? अरे यहाँ पर कुछ तो लिखा है, द ग्रेव ऑफ डार्क हीरो। भाई ये क्या चीज है?